बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्लास नर्सरी। बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में वर्किंग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारी 16 वर्किंग की वीडियो है। 16 वर्किंग की वीडियो में सबसे पहला वर्क है हमारे पास इंग्लिश सीरीज स्टेप ज़ीरो। ठीक है, इंग्लिश सीरीज स्टेप ज़ीरो में आज जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे साउंड है ड। व्हिच साउंड इज दिस? ड। आज हम ड की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 18 पे काम किया था ना, जिसमें हमने सिर्फ ड की ट्रेसिंग की थी और ड से शुरू होने वाले तमाम पिक्चर्स में कलरिंग की थी। आज हम ड की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ना, ड का पूरा बोर्ड बना हुआ है। चले सबसे पहले इसकी लर्निंग। चले बच्चों, पेज नंबर 19 की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अपनी कॉपी पे फिंगर रखेंगे, मैं यहाँ बोर्ड पे रख रही हूँ। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। ट्रेस एंड राइट ड। ट्रेस एंड राइट ड। ट्रेस एंड राइट ड। ड ड ड। व्हिच साउंड इज दिस? ड। व्हिच साउंड इज दिस? ड। यहाँ पे हमें टू पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, इन पिक्चर्स की जो बिगनिंग साउंड है वो क्या है? ड। व्हिच साउंड इज दिस? ड। चले अब ड को इनकी पिक्चर्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ड डक, ड डक, ड डक, ड डोर, ड डोर, ड डोर, डक डक डक, डोर डोर डोर। व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ डक? ड। व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ डोर? ड। बच्चों, हमने पेज नंबर 19 की रीडिंग कर ली। चलें अब चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। अब हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सारे बच्चे मेरे साथ पेंसिल होल्ड करें। ठीक है, सबने पेंसिल होल्ड कर ली। चलें अब हम पेज नंबर 19 की राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दी हुई है? ट्रेसिंग दी हुई है। लेटर कौन सा है? ड। बच्चों, विच साउंड इज दिस? ड। विच साउंड इज दिस? ड। विच साउंड इज दिस? ड। हम यहाँ पे ड पे ट्रेसिंग करेंगे। देखें, यहाँ पे ड की ट्रेसिंग लाइंस दी गई हैं, जिन्हें जोड़ के हमें ड बनाना है। ड की फॉर्मेशन है मेक गो अप कम डाउन, मेक गो अप कम डाउन, मेक गो अप कम डाउन। मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ, मेक मतलब हाफ सर्किल, गो अप कम डाउन ऊपर जाके नीचे आना, मतलब एक सीधी लकीर। मेक हाफ सर्कल, गो अप कम डाउन ऊपर जाके नीचे आना। ठीक है, इसी पैटर्न पे हम ड की ट्रेसिंग करेंगे। चलें सारे बच्चे मेरे साथ ट्रेसिंग करेंगे। चलें सारे बच्चे मेरे साथ ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, चलें मिस जैसे पेंसिल रखी ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पेंसिल रखेंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, डॉट को डॉट से मिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। देखें जैसे मिस कर रही हैं, ऐसे डॉट से डॉट को मिलाना है। ठीक है, ऐसे डॉट की लाइंस को एक दूसरे से मिलाना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से। मेक ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग करनी है। हमने ख बना लिया हाफ सर्कल। अब हम कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे, गो अप। गो अप गए, अब क्या आएंगे हम? कम डाउन, नीचे आएंगे। ठीक है,
फर्स्ट डे पे हमने ट्रेसिंग कर ली, अब हम सेकंड डे पे आएंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरीके से डॉट को डॉट से मिलाएंगे, प्यारा प्यारा सा ऐसे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जैसे मिस कर रही हैं, बिल्कुल ऐसी आप लोग अपनी कॉपी में भी वर्क करेंगे। गो अप, कम डाउन, थर्ड डॉ पे भी मेक ऐसे प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग करेंगे। अगर ट्रेसिंग हिल जाए तो रेजर का यूज करेंगे। कम डाउन, डो पे हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पे डॉट पे काम करना है, डॉट पे खुद लिखना सीखना है, ठीक है। सारे बच्चे फॉर्मेशन की फॉर्मेशन राइम से ही लिखेंगे। मेक हाफ सर्कल बनाएंगे, मेक मेक आप लोग ने बनाना सीखा है ना पिछली वर्किंग में। ख बनाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, गो अप कम डाउन, ऊपर जाके नीचे आना, ठीक है। अब सेकंड भी हम ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे आप लोग बताएं मुझे। मेक हाफ सर्कल, ऊपर जाना है, गो अप, फिर दोबारा से नीचे आना है, कम डाउन। मेक गो अप कम डाउन, थर्ड वर्किंग भी हम ऐसे करेंगे। थर्ड जो बनाएंगे, मेक गो अप कम डाउन, हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। चलिए बच्चों, अब हमने कंप्लीट कर ली ना वर्किंग, सारे बच्चे पेंसिल अपने साइड पे रखेंगे और मेरे साथ दोबारा से बोर्ड रीड आउट करेंगे, ठीक है। पढ़ें, ड ड ड, विच साउंड इज दिस, ड विच साउंड इज दिस, ड विच साउंड इज दिस, ड डक डक डक, डोर डोर डोर, ड डक ड डक ड डक ड डोर ड डोर ड डोर। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डक, ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डोर, ड। व्हिच साउंड इज दिस, ड। ड की फॉर्मेशन क्या है, मेक ख गो अप कम डाउन। मेक ख मतलब हाफ सर्किल, गो अप कम डाउन, ऊपर जाके नीचे आना। मेक ख गो अप कम डाउन, मेक ख गो अप कम डाउन, मेक ख गो अप कम डाउन। हमने इंग्लिश सीरीज स्टेप जीरो की वर्किंग कंप्लीट कर ली सारे बच्चे। चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। स्टार्ट है हमारी नेक्स्ट वर्किंग है आज हैप्पी किड सीरीज मैथ्स वन। हैप्पी किड सीरीज मैथ्स वन में आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8। सबसे पहले पेज नंबर 7 पे हमारे पास है कलर्स कलर्स कलर्स। लेट्स रिकॉग्नाइज, लेट्स रिकॉग्नाइज, लेट्स रिकॉग्नाइज। यहाँ हमें कलर की पहचान करनी है। आप लोगों को पता है कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, रेड कलर। दिस इज रेड कलर, दिस इज रेड कलर। यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं और 3 पिक्चर्स में कौन सा कलर हुआ हुआ है, रेड कलर हुआ हुआ है। चलिए चल पढ़ते हैं। टोमेटो टोमेटो टोमेटो, बॉल बॉल बॉल, एप्पल एप्पल एप्पल। इन तीनों में कौन सा कलर हुआ हुआ है, रेड कलर हुआ हुआ है। मैं आप लोगों को अभी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ जिनमें हमें रेड कलर की पहचान करनी है, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ पहचान करेंगे,
चले, विच कलर इज दिस? रेड कलर. विच कलर इज दिस? रेड कलर. इस कलर से हम पहचान करेंगे, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास पिक्चर है एप्पल की, ठीक है. ये कलर रेड है? नो. इसको इससे मैचिंग कर लिया एप्पल से. ये रेड कलर का है एप्पल. जब हमने इसको मैच किया तो ये मैचिंग हो गया. एप्पल इज रेड. एप्पल इज रेड. नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं. टोमेटो. ये रेड कलर का है? ये मैचिंग हो गया? नो. चले हम नीचे चलते हैं. ये मैचिंग हो गया? यस, दिस इज रेड कलर. रेड कलर टोमेटो से मैचिंग कर गया. चले अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट पिक्चर. कार. ये रेड कलर की है? मैचिंग कर गई? नो. अच्छा, कार रखो यहाँ. मैचिंग हो गई? यस, रेड कलर इससे मैचिंग हो गया. दिस इज रेड कलर. बाइसाइकल. मैचिंग हो गई? नो. ये तो ब्लैक कलर है, दूसरा कलर है. रेड कलर कहाँ है? ये रहा. पेंसिल कलर से हमने इसको मैच कर लिया. कैरेट. मैचिंग हो गई? मैचिंग हुई? नो. ये तो डिफरेंट कलर है, दूसरा कलर है. बिल्कुल रेड से मैच नहीं हो रहा. चले अब नीचे मैं इस पे रखती हूँ कैरेट पे. यस, ये तो मैच हो गया ना. रेड कलर मैच हो गया रेड से. चलते हैं आप दूसरी पिक्चर पे. देखें, ये मैच हो रहा है इसके लीफ से? नो. लीफ तो दूसरा कलर का है ना. इसका फ्लावर जो है वो रेड कलर का है. जब मैंने रेड को रेड पे रखा तो ये मैचिंग हो गया. दिस फ्लावर इज रेड कलर. आप लोग भी घर में, आज आप लोग की एक्टिविटी यही है, आप लोग अपने घर के एनवायरनमेंट में सारे बच्चे अपने हैंड में पेंसिल कलर रखेंगे और अपने घर के एनवायरनमेंट में चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ रेड है, उसको उससे मैचिंग करेंगे. चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. हमारे नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 8. अभी मैंने आप लोग को रिकग्नाइज करवाया रेड कलर से. इस पर भी हमें रेड कलर ही करने हैं सारे सारी पिक्चर्स में. चलें सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं. पढ़े मेरे साथ. कलर्स कलर्स कलर्स. कलर द ऑब्जेक्ट बिलो विद द रेड क्रियॉन्स. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हैं? बलून, चिली एंड कार. इनमें हमें रेड क्रियॉन्स से कलर करना है. रेड क्रियॉन्स किसे कहते हैं? रेड क्रियॉन्स जो होते हैं वो मोम के बने हुए होते हैं. लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास रेड क्रियॉन्स मौजूद नहीं होते, तो सारे बच्चे पेंसिल कलर से कलर करेंगे. मेरे पास भी पेंसिल कलर है ना, इसी पेंसिल कलर से सारे बच्चे इन तमाम ऑब्जेक्ट्स में, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में रेड कलर पेंसिल कलर से ही करेंगे, ठीक है. चले मेरे साथ साथ कलर्स करते हैं. सबसे पहली पिक्चर हमारे पास कौन सी है? बलून की. कौन सी है? बलून. बलून में हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर. विच कलर इज दिस? रेड कलर. सबसे पहले क्या बनाएंगे? आउटलाइन, ठीक है. सबसे पहले जैसे मिस बना रही है ना, पूरे बलून की आउटलाइन बनाएंगे. ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी बच्चे का भी कलर. ऐसे देखें, बिल्कुल आराम आराम से आउटलाइन बनाएंगे. साइड साइड में हमने आउटलाइन बना ली. अब हमें इसमें कलर करना है. कलर हम कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था ना पहले भी, अप एंड डाउन. ऐसे हाथ ऐसे रखेंगे, अप एंड डाउन, ठीक है. जैसे मिस करिए ना, ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन.
ऐसे, जैसे बिल्कुल मिस कर रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता सा कलर, बिल्कुल ऐसी हाथ आहिस्ता आहिस्ता से पूरे बलून में कलर करेंगे ऐसे ऐसे, अप एंड डाउन। हमारा बलून कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है हमारे पास? चिली। कौन सी है? चिली। चिली में भी हमें रेड कलर करना है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? आउटलाइन बनाएंगे। देखें इसे मिस बनाई ना, जैसे हमने बलून में आउटलाइन बनाई थी बिल्कुल वैसी चिली में भी आउटलाइन बनाएंगे। ऐसे प्यारी प्यारी सी आउटलाइन बनाएंगे। फिर इसके अंदर भी हम अप एंड डाउन कलर करेंगे, ठीक है? बाहर निकल जाए अगर गलती से किसी बच्चे का कलर तो वो क्या करेंगे? फौरन से रेज करेंगे, क्योंकि हम फिर हमारी बुक गंदी नहीं लगेगी। प्यार प्यारा सा कलर करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने कलर कर लिया। अब हम आएंगे थर्ड ऑब्जेक्ट पे, जो हमारी बहुत बड़ी सी है ना। क्या है ये? कार। विच पिक्चर इज दिस? कार। कार में कलर करेंगे। कोई भी बच्चा बीच से शुरू नहीं करेंगे ऐसे गंदा गंदा सा, नो। साइड साइड पे सबसे पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है? जैसे मिस बना रही है ना बिल्कुल ऐसे ही सारे बच्चों को बनाना है। ऐसे प्यारे प्यारी सी आउटलाइन बनाएंगे ऐसे। पूरी कार पे हमें आउटलाइन बनानी है, बाहर नहीं निकालेंगे कलर ऐसे। प्यारी प्यारी से आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बन गई, उसके बाद हम कलर करेंगे अप एंड डाउन। यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे अप एंड डाउन, और बोलते भी रहेंगे अप एंड डाउन। पूरी कार में अप एंड डाउन कलर करेंगे प्यारा प्यारा सा। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर इसके टायर में भी कलर करेंगे अप एंड डाउन। रेड कलर हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर लिया ना बच्चों। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेज नंबर 8 सॉल्व हुआ दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी तरीके से आप लोगों को तीनों पिक्चर्स में कलर करना है बिल्कुल सफाई के साथ। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सफाई के साथ आप लोग ये कलरिंग करेंगे और अपनी वर्किंग कंप्लीट करेंगे। आज हमने क्या सीखा? रेड कलर की पहचान की। आज हमने रेड कलर की पहचान भी की और पिक्चर्स में कलरिंग भी की। चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। आज हमारे पास वर्किंग है हैप्पी किड सीरीज इंग्लिश बुक 1। हैप्पी किड सीरीज इंग्लिश बुक 1 में आज हमारे पास पेज नंबर है 4। पेज नंबर 4 पे साउंड है ड। कौन सा साउंड है? ड। आज हम ड की रीडिंग करेंगे। मेरे साथ सब पढ़ें ड ड ड ड डॉल ड डॉल ड डॉल ड डक ड डक ड डक ड डोर ड डोर ड डोर ड डॉल्फिन ड डॉल्फिन ड डॉल्फिन डॉल 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 डोर 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 डक 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 डॉल्फिन डॉल्फिन डॉल्फिन। व्हाट इज दिस? ड। व्हाट इज दिस? ड। व्हाट इज द विच साउंड इज दिस? ड। विच साउंड इज दिस? ड। विच साउंड इज दिस? ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल? ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल? ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल? ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डोर? ड। व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डोर?
ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डोर? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डक? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डक? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डक? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल्फिन? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल्फिन? ड. व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ डॉल्फिन? ड. इसी के साथ अच्छा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.